मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो विशेष संपर्क अभियान के तहत पहुंचे हैं पंचकुला में, और पूर्व राज्यपाल पंजाब के अभियान चिबर्जी उनसे मिले हैं। सर, इस अभियान के तहत मिल रहे, क्या उद्देश्य है इसमें? देखिए, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के 4 वर्ष पूरे हुए हैं, और सरकार के माध्यम से या पार्टी के माध्यम से हम लोग अपने जन जागरण अभियान में और संपर्क अभियान में ऐसे समाज के जो अग्रणी लोग हैं, जिन्होंने समाज में कुछ योगदान किया है, जिनके अपने उस योगदान के माध्यम से अपना स्थान बना है, ऐसे सब लोगों को संपर्क भी कर रहे हैं, और सरकार के बारे में वो क्या सोचते हैं और हमें उनकी ओर से मिलने वाला जो भी कोई सुझाव होंगे, कोई बातें होंगी, उसको हमारे करने के लिए वो भी हम करेंगे। देश भर में हम हज़ारों लोगों को मिलने का अपना योजना बनाई है, तो हरियाणा में भी लगभग कितने 2000 लोग हरियाणा में भी इस प्रकार के हैं जिनको हम मिलेंगे, सूचियां बना करके, और कुल देश में 40,000 लोगों को मिलने की ऐसी योजना है। सर, एक बुकलेट भी आप लेकर आए हैं, जिस तरीके से केंद्र सरकार के 4 साल की उपलब्धि रही है, साफ नियत और विकास, उस नारे को अगर देखें 4 साल में क्या उपलब्धियाँ मानते हैं केंद्र सरकार, और बुकलेट भी सर एक देखिए, ये हमारी बुक है साफ नियत सही विकास। तो विकास के जितने भी काम हमने किए हैं उन सब विकास के कामों की इसमें एक प्रकार से वर्णन है, और ये जानकारियाँ वैसे तो समाज के सब लोगों को होती हैं, फिर भी एक पुस्तक के माध्यम से जैसे हमने जनसाहब को भेंट की है तो उस नाते से उस जानकारियों को भी हम देते हैं, और विकास के बहुत काम किए हैं हरियाणा के अंदर भी और देश भर में भी, हमारी दोनों सरकारों ने जितने काम किए हैं उसको उपलब्धता इतनी है कि लोगों को एक प्रकार से बहुत प्रभावित हैं लोग उससे, फिर भी एक जानकारी देने के लिए पुस्तक दे रहे हैं। तो ये माना जाए सर, केंद्र सरकार की नीतियां और जो आपका कार्यकाल रहा है अभी सरकार का 2019 के लिए, एक जो कड़ी चुनौती अभी विपक्ष जो पेश कर रहा है उस तरीके की कोई चुनौती नहीं, कॉन्फिडेंट है? नहीं, देखिए, किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। देश भर में जिस प्रकार से हमारे 21 राज्यों में इस समय भारतीय जनता पार्टी अथवा जो अलायंस हमारी है उनकी जो शासन है, तो इसलिए आगे भी निरंतर बढ़ते चले जाएंगे, किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं। लेकिन विपक्ष भी इकट्ठा हो रहा है? नहीं, कोई बात नहीं है। भानुमती का क्या, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा, क्या होता है? कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती का कुनबा जोड़ा, विपक्ष जो है वो बड़ी चुनौती नहीं है, और जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने काम किया है उसके दम पर 2019 के लिए बीजेपी और केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ही कॉन्फिडेंट है कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई जाएगी। कैमरा पर्सन सुखपाल कुमार के साथ राजेंद्र शर्मा, जी मीडिया, पंचकुला।